नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास लेकर के। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो बात करते हैं जो कोर्सेज मेरे द्वारा यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी, इंडियन एंड राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इंडिया एंड राजस्थान करंट अफेयर्स, MCQ based question answer sessions, test series and many more other things for all of you. What is an academy subscription? यहां आपको मिलती हैं live classes, test series और quizzes provide कराई जाती हैं, doubt clearing sessions होते हैं जिनमें आपके doubts को दूर किया जाता है और पूरा का पूरा syllabus आपका cover करवाया जाएगा। Plus subscription लेने के आपको क्या क्या profits हैं? Educators के द्वारा live structure courses मिल जाते हैं, एडुकेटर्स आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाती हैं, वीकली क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते हैं, प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है और बिल्कुल सही मार्गदर्शन में आपको तैयारी करवाई जाएगी। क्या करना है? अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को इंस्टॉल करना है और उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल के नीचे प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको मैनेज गोल्स पे जाना है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो मैनेज गोल्स आएगा, स्टेट PSC में जाकर के आपको फिर RPSC को सेलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में से आपको कोई भी एक कोर्स को सेलेक्ट करना है। अब आप क्या करेंगे, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू करी है उन्हें एटलीस्ट 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय से बट स्टिल उन्हें लग रहा है कि वो अपनी तैयारी में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो उन्हें 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जब आप टाइम ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में आपको एक रेफरल कोड यूज लेना है पंकज 9, जिस पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। ठीक है, तो 1 ईयर का जो 7,000 रुपीज का कोर्स है वो आपको 6,300 में प्रोवाइड करा दिया जाता है और 2 ईयर का जो 8,400 का कोर्स है वो आपको मात्र 7,560 में ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दोस्तों, इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओनली 6,300 में 1 ईयर तक आप पढ़ सकते हैं और बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 2 साल का 8,400 का जो कोर्स है वो मात्र 7,560 रुपए में ही आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। तो दोस्तों, अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, रेफरल कोड यूज करना है पंकज 9, PANKAJ9। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए तो मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और मैंने आपको मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बातें बता दी थी दोस्तों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बाद हम बात करेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, ठीक है, चलिए तो कुछ बातें हमने पहले कर ली थी लेकिन आज फिर उसे करेंगे। देखिए दोस्तों, राज्य की मौर्यकालीन साम्राज्य में राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? मुख्य रूप से वो निर्भर थी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर। कृषि एग्रीकल्चर, पशुपालन आप समझ ही सकते हैं और वाणिज्य यानी व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से इन तीन बातों पर निर्भर करती थी। इन तीनों को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता था? इन तीनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता था दोस्तों वार्ता। ठीक है, चलिए
तो यहां पहली बात जो हमें समझनी है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, और इन तीनों को क्या कहा जा रहा था, वार्ता कहा जा रहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मौर्यकालीन व्यवस्था में राजस्व प्रणाली की रूपरेखा सबसे पहली बार कब तैयार की गई, राजस्व प्रणाली की जो रूपरेखा है वो सबसे पहले मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में तैयार की गई। बात क्लियर है, राजस्व प्रणाली की रूपरेखा मौर्यकालीन व्यवस्था में तैयार की गई थी। कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है उसमें भूस्वामी को क्या कहा जाता था, उसमें भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था, भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था। बात क्लियर है, अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता था और इस भूस्वामी पर जो काश्तकार काम करता था उस काश्तकार को उपवास कहा जाता था, और यही आपके लिए ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में तैयार होते हैं और यही फैक्ट्स आपको मुख्य परीक्षा में भी मदद करते हैं दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर निर्भर थी। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि राजस्व प्रणाली की रूपरेखा सबसे पहले कहां तैयार हुई, मौर्यकालीन व्यवस्था में तैयार हुई। भूस्वामी को क्या कहा जाता था, क्षेत्रक कहा जाता था, और उसी भूमि पर जो काश्तकार काम करते थे उन काश्तकारों को क्या कहा जाता था, उन्हें उपवास कहा जाता था दोस्तों। बात क्लियर है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं दास व्यवस्था थी, दास प्रथा थी विद्यमान, और जो दास होते थे उन्हें मुख्यतः किन कार्यों में लगाया जाता था, उन्हें कृषि कार्यों में लगाया जाता था। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। क्लियर है बात यहां तक की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना की गई उसमें एक आपातकालीन टैक्स के बारे में चर्चा की जाती है। आपातकालीन टैक्स कर, और उस कर का नाम क्या था, उस कर का नाम था प्रणय कर। क्या कहते थे दोस्तों उसको, उसको कहते थे प्रणय कर। क्लियर है, तो अर्थशास्त्र में एक आपातकालीन इमरजेंसी टैक्स के रूप में बात की गई है। वर्तमान में हम क्या देखते हैं, वर्तमान में हम संविधान में जैसे एक आपातकालीन कोष को देखते हैं, इमरजेंसी फंड, ठीक है। दो प्रकार की निधियां देखी है हमने संविधान में, एक संचित निधि होती है, एक आकस्मिक निधि होती है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि है, तो इनकम तो सारी संचित निधि में जाती है। एक इमरजेंसी फंड होता है जिस पर पूरा कंट्रोल किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है आर्टिकल 267 में। उसी प्रकार से अगर हम उससे तुलना करें तो यहां पर कोई फंड तो नहीं है लेकिन एक टैक्स लगाया जा रहा है, इमरजेंसी टैक्स लगाया जा रहा है। वो इमरजेंसी टैक्स जो है अगर हम इसको थोड़ा सा विश्लेषण करें तो ये समझ में आता है कि वो इमरजेंसी टैक्स से जो पैसा आता होगा, जो ये प्रणय कर लगाया जा रहा है, इससे जो पैसा आता होगा उसे निश्चित रूप से किसी आपातकालीन कोष में रखा जाता होगा, एक इमरजेंसी फंड के रूप में रखा जाता होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर पैसों की समस्या ना खड़ी हो राज्य के सामने। बात क्लियर है, चलिए अगर हम करों की बात करें तो अर्थशास्त्र में अगर हम करों की बात करें तो कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख है।
कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख है। बात क्लियर है? यानी हम टोटल कितने प्रकार के टैक्स देखते हैं? टोटल जो है वो 21 प्रकार के कर टैक्स हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, कर मुक्त गांवों को परिहारिका तथा जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे, जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे उन्हें आयुधिका, उन्हें आयुधिका कहा जाता था। ये इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए एक फैक्ट। जिन गांवों पर टैक्स नहीं था उन्हें क्या कहा जाता है? परिहारिका कहा जाता है। और जो गांव सैनिकों को भोजन, जल व्यवस्था, अन्य आपूर्ति करते थे उन्हें आयुधिका कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या याद करना है कि वो गांव जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता था उन्हें परिहारिका कहा जाता था, और वो गांव जो सैनिकों को आपूर्ति करते थे संसाधनों की, यानी खाना पीना उनकी व्यवस्था करते थे, उन्हें आयुधिका कहा जाता था, ठीक है। साथ ही जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे, जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उन्हें कुप्य कहा जाता था, उन्हें कुप्य कहा जाता था। तो तीन प्रकार की बातें आपके सामने आती हैं गांव को लेकर के। वो गांव जो कर नहीं, जिन पे कर नहीं लगाया था उन्हें परिहारिका कहा जाता था। वो गांव जो सैनिक आपूर्ति करते थे उन्हें आयुधिका कहा जाता था, और वो गांव जो कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उन्हें कुप्य कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। यहां तक की बातें क्लियर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो भी बच्चे इन क्लासेस को देख रहे हैं, क्योंकि 1, 2, 3 ये थोड़ा सा न्यू ईयर पर कुछ टेक्निकल ऑफ्स होने के कारण हम लोग ये रिकॉर्डिंग क्लासेस डाल रहे हैं। 4 तारीख से आपकी लाइव क्लासेस होंगी, उसमें आपको जो भी समस्या हो, मेरे जो प्यारे बच्चे इन क्लासेस को देख रहे हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो, और फिर वो 4 तारीख को लाइव सेशंस में आप पूछ लीजिएगा। यहां भी आपको अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट के द्वारा दे दूंगा। तो जैसा आप कमेंट के द्वारा जवाब चाहें तुरंत, तो इस पे अपना कमेंट कर दीजिएगा जब आप इस सेशन को देख रहे हो। और जो बच्चे लाइवली चाहते हैं जवाब, तो वो 4 तारीख को मेरी जो रेगुलर क्लासेस होती है यूट्यूब पे या स्पेशल पे, उसमें आप मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुझे पता है कौन बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो भी उन्हें डाउट हो। आई विल डेफिनेटली गिव रिप्लाई टू देम, एंड इफ दे वॉन्ट द लाइव रिप्लाई देन दे विल कम फ्रॉम 4 द अपकमिंग मंडे, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के अंदर ही हम देखते हैं अशोक के, ये इंपॉर्टेंट बात है, अशोक के रोमिन देई
अभिलेख से अशोक के रुम्मिन देई अभिलेख से 2 करों का उल्लेख मिलता है। एक कर का नाम था बलि और दूसरे कर का नाम था भाग। ठीक है, अशोक के रुम्मिन देई अभिलेख से 2 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। एक कर को कहते थे बलि और दूसरे कर को कहा जाता था भाग। बात क्लियर है? तो वहां पे हमें सिर्फ ये 2 करों के उल्लेख मिलते हैं अशोक के रुम्मिन देई अभिलेख से। ठीक है, अब यहां पे देखिए उस समय में अकाल पड़ते थे या नहीं पड़ते थे। अकाल फेमाइन यानी सूखे की समस्या। अकाल पड़ता था या नहीं पड़ता था इस बात की जानकारी हमें अलग अलग तथ्यों से मिलती है। जैसे मेगस्तनीज जिसने इंडिका लिखी, मेगस्तनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता। तो हो सकता है कि वो सप्त सैंधव जो नदियां थी, अकाल नहीं पड़ता, गंगा यमुना सरस्वती, वो इन सभी नदियों से प्रभावित होगा और उसे लगता होगा कि ये जो 12 मासी नदियां हैं इस कारण भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ता होगा। तो मेगस्तनीज ये कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य क्या कहता है कि भैया भारत में अकाल पड़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां अकाल के बारे में आपको 2 जानकारी प्राप्त होती है। एक जानकारी प्राप्त होती है कि मेगस्तनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता है, वहीं अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में अकाल पड़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। कौटिल्य जो है, ये सभी फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आपको याद करना है, प्री एग्जाम में और मेंस एग्जाम में दोनों में आपके लिए बहुत उपयोगी है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के एग्जाम। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया है। 10 प्रकार की भूमि का वर्णन करता है कौन? कौटिल्य। अब वो 10 प्रकार की भूमि में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता होता, जैसे अदेव मात्रक। ये कौन सी भूमि थी? देखिए, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके। ठीक है, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके, वो कौन सी भूमि थी? अदेव मात्रक। दूसरी भूमि कौन सी है? देवमात्रक। सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि।
ठीक है। तीसरी भूमि थी कष्ट, जुती हुई भूमि। कौन सी? यानी जो भूमि ऑलरेडी हार्वेस्टेड है, वो भूमि जो ऑलरेडी हार्वेस्टेड है, ठीक है, तो वो कौन सी भूमि हुई? जुती हुई भूमि। नेक्स्ट, अक्रष्ट, बिना जुती हुई भूमि, बिना जुती हुई भूमि। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट, स्थल, ये होती थी दोस्तों ऊंची भूमि। स्थल जो है ये होती थी ऊंची भूमि। तो मुख्य रूप से तो अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया गया है, ठीक है, लेकिन 5 मुख्य भूमियों के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान करी है, सभी 10 के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं करनी है। पहली है अदेव मात्रक, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके। दूसरी देव मात्रक, सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि। तीसरी कष्ट, जिसे जुती हुई भूमि कहते हैं। चौथा अक्रष्ट, बिना जुती हुई भूमि, यानी जो हार्वेस्टेड नहीं है। जुती हुई भूमि मतलब जो हार्वेस्टेड है, बढ़िया खुदाई उदाई कर रखी है, पानी दिया हुआ है, उसमें फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड डाले हुए हैं, बस आपको अब बीज डालने हैं और खेती प्रारंभ करनी है, ठीक है। तो कष्ट जो थी वो हार्वेस्टेड थी, और अक्रष्ट जो है उसका उल्टा हो जाएगा, नॉन हार्वेस्टेड। स्थल जो है वो ऊंची भूमि, यानी जो समतल से ऊंचाई पर है, जो मैदान है उससे कुछ ऊंचाई लिए हुए भूमि है, उसे कहा जाता था स्थल। यहां तक की बातें क्लियर है? तो अपन ने क्या क्या बातें करी अभी तक, एक बार रिवाइज करेंगे जिससे अपने को बातें दिमाग में रहें। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट था राज्य की अर्थव्यवस्था, 3 पिलर्स पे डिपेंड थी, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। तीनों जो हैं उन्हें कहा जाता था वार्ता। मौर्यकालीन व्यवस्था में राजस्व प्रणाली को सबसे पहले प्रारंभ कहीं किया गया। राजस्व प्रणाली अगर किसी साम्राज्य में सबसे पहले प्रारंभ हुई तो वो मौर्य काल में प्रारंभ हुई। दूसरा, अर्थशास्त्र में भूस्वामी को कहा जाता था, जो भूमि का स्वामी होता था, जो लैंड ओनर होता था, उसे क्षेत्रक कहा जाता था। काश्तकार, जो उस भूमि पर काम करेगा, वो उपवास कहा जाता था। दास प्रथा जो होती थी वो कृषि कार्यों पर निर्भर होती थी दोस्तों, ठीक है। अर्थशास्त्र में आपातकालीन जो टैक्स लगता था, उस आपातकालीन टैक्स को कहा जाता था प्रणय कर। कुल 21 प्रकार के करों की बात की गई है। वो गांव जिन पर कर नहीं लगता था उन्हें परिहारिका कहा जाता था, और वो गांव जो सैनिकों की आपूर्ति करते थे उन्हें आयुधिका कहा जाता था। जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उन्हें कुप्य कहा जाता था। और अशोक के रुम्मिंदई अभिलेख से हमें 2 प्रकार के करों की बात मिलती है, बलि और भाग। इनके बारे में आगे बात करेंगे। फिर अकाल के बारे में एक अलग ही जानकारी मिलती है कि अकाल पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। तो मेगस्थनीस तो कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता था, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो हमें जानकारी मिलती है उसके अनुसार भारत में अकाल पड़ते थे दोस्तों। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन करता है। पहली भूमि जो इंपॉर्टेंट, अब 5 भूमियां इंपॉर्टेंट थी, अदेव मात्रक, यानी वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके। अदेव मात्रक का उल्टा कर दीजिए देव मात्रक, सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि। फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कष्ट, जिसे हम कहते हैं जुती हुई भूमि। चौथा पार्ट देखते हैं अक्रष्ट, बिना जुती हुई, यानी हार्वेस्टेड और नॉन हार्वेस्टेड भूमि। और पांचवा पार्ट जो हम देखते हैं स्थल का, वो है एक ऊंची भूमि, समतल से ऊंचाई पर लिए हुए भूमि। अब देखिए आगे एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
तो जो ये पूरा भाग है जहां पे कृषि हो रही है, ए देव मात्रक कष्ट अकृष्ट स्थल भूमि, तो ये सब कृषि से जुड़ेटेड है। सभी किससे जुड़ी हुई है, सभी चीजें कृषि से जुड़ी हुई है। तो एक कृषि के लिए सरकारी डिपार्टमेंट बनाया हुआ था और वो राजकीय कृषि विभाग का, राजकीय कृषि विभाग का जो अध्यक्ष होता था वो सीताध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सीताध्यक्ष कहलाता था, ठीक है। क्योंकि अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थ को, बहुत इंटरेस्टिंग है, किए गए पदार्थ को सीता कहा गया है। सीता कहा गया है यानी वो हर प्रोडक्ट, वो हर वस्तु जिसका उत्पादन हल से जोतकर किया गया है उसे सीता कहा गया है। और राजकीय कृषि विभाग, तो सीता कहा गया है तो यानी कृषि हो गई, हल से जोतकर तो कृषि ही करोगे ना, एग्रीकल्चर ही करोगे, तो उस कृषि विभाग का अध्यक्ष क्या हो गया? सीता अध्यक्ष। हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थ को सीता कहा जाता है और उस कृषि विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है सीता अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत, आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर होता था, भूमि कर होता था, ठीक है। ये उपज का 1/6 भाग होता था दोस्तों, उपज का 1/6 भाग होता था। यानी जो प्रमुख स्रोत है रेवेन्यू का, इनकम का जो प्रमुख स्रोत होता था वो लैंड टैक्स होता था, भूमि कर होता था। और वो टोटल कितना होता था? वो उपज का टोटल 1/6 भाग होता था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको कुछ विभिन्न प्रकार के करों के बारे में बताऊंगा, फिर अपन इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। विभिन्न प्रकार के कर, ठीक है। पहला देखिए भाग, भाग कर जो होता था वो कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादों पर होता था। कृषकों के द्वारा जो भी कृषि उत्पाद पैदा किए जाते थे उस पर भाग कर लगता था, सीता कर। राजकीय व वन्य भूमि पर जो कर लगता था, राजकीय व वन्य भूमि पर जो कर लगता था। तीसरा प्रणय कर, मैंने आपको बताया ही है, जिसे आपातकालीन कर कहा जाता था। नेक्स्ट बलि, ये भू राजस्व था, जो 1/6 भाग टैक्स लग रहा है वो कौन सा कर है? भू राजस्व, बलि कर, यानी लैंड से जो टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हिरण्य कर, ये एक प्रकार का नकद कर था, कैश टैक्स, नकदी के ऊपर जो कर होता था। उसके बाद एक कर है सेतु बंध, सेतु बंध, ये सिंचाई का जो राज्य प्रबंधन करता था उस पे कर लिया जाता था, सिंचाई के प्रबंधन पर कर, सिंचाई के प्रबंधन पर कर। और सातवां जो है वो होता था विष्टि कर, यानी बेगार, निशुल्क। विष्टि यानी आपसे काम कराया गया लेकिन आपको कोई पैसा नहीं दिया गया, ये भी एक प्रकार का कर था दोस्तों, इसको कहा जाता था विष्टि कर। बात क्लियर है? तो 7 प्रकार के कर हैं, भाग कृषकों द्वारा उत्पादित जो कृषि उत्पाद होते थे उस पर जो कर लगता था,
दूसरा सीता राजकीय व वन्य भूमि पर कर, तीसरा प्रणय आपातकालीन कर, चौथा बलि भू राजस्व कर, पांचवा हिरण्य नकद कर, छठा सेतु बंद सिंचाई के प्रबंधन पर कर, और सातवा विष्टि बेगार यानी निशुल्क, जिसमें आपसे कार्य कराया जाएगा और उस पर कोई भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो एक प्रकार का कर माना जाएगा। दोस्तों बात क्लियर है? तो ये अपन ने यहां तक की अर्थव्यवस्था की बातें करी हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी बातें बची हुई हैं। इसके अगले पार्ट पर हम चलेंगे, जब पार्ट थ्री पर जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी उसमें आपको मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पे और भी बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो अभी बस टू बी कंटिन्यूड है, इस क्लास को देखिए, उसके बाद जो अगली क्लास, ये मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पार्ट टू के नाम से है, अगली क्लास जो मिलेगी वो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पार्ट थ्री के नाम से मिलेगी। गुड लक दोस्तों, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।